यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। तराई जिलों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, तो गंगा किनारे बसे बड़े बड़े शहरों में भी बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। कानपुर और अब काशी में भी जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट अब समाने लगे हैं। नदी का रूप अब रौद्र होता जा रहा है। जहां तक नजर वहां तक सैलाब। आफत में जनजीवन, मुसीबत बेहिसाब। झील बनते शहर, हालात बद से बदतर। बारिश के ब्रेक फेल, आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस वक्त आप कहीं भी देखें तो नजर आएगा सैलाब। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते झरने, खतरे को दिखाती नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसान। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल और कुदरत के प्रहार से ध्वस्त होते पहाड़। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा रखी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। इस तस्वीर को देखिए, गोरखपुर में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक कई इलाका पानी में डूब चुका है। लगातार बढ़ रही नदी के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन कर दिया है। पूरा गांव या तो बांधों पर शरण ले रहा है या फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह ले रहे हैं। जिले की सभी नदियां अपने उफान पर हैं। गोरखपुर में इस वक्त राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण करीब 45 गांवों में पानी घुस गया है। कुछ गांव मुरुंड हो चुके हैं जो चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। उन्हीं में से एक गांव है बहरामपुर, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, और आप देखिए यहां पे लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ये जो नाव मेरे सामने से जा रही है, इस पर आप लाल झंडी देख रहे हैं। लाल झंडी मतलब कि ये जिला प्रशासन के द्वारा ये नाव गाँव के लोगों को आने जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। नाव निःशुल्क है, गांव के लोग इससे आराम से आ जा सकेंगे। हालांकि अधिकतर गांव के घरों में नाव मौजूद है, क्योंकि ये जितने भी गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं या गांव में पानी घुसा है, वहां हर साल की स्थिति यही होती है। और ये सारे गांव नदी से एकदम सटे हुए, नदी के किनारे ऐसे गांव जो नदी के किनारे बसे हुए थे, नदी से एकदम सटे हुए, वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं और कुछ गाँव तो मुरुंड से हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ ही राशन किट वितरण किया जा रहा है। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गांव में जो जो जितने प्रभावित गांव हैं, वहां पे राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले, उसको ठीक करा लिया गया है। और मतलब चूंकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहे। जगह है उत्तर प्रदेश का हरदोई। वही उत्तर प्रदेश जहाँ की 17 जिलों पर इस वक्त बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में बलिया तक 20 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। उस हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सड़कें डूब गई, खेत खलिहान डूब गए, गांव भी डूब गए। पूरा सैलाब भरा है, गर्दन में पानी हो रहा है। दुनिया जीव जीव मारा मारा घूम रहा है, कहीं सांप है कहीं कुछ है। आज भूखे पड़ी है, आज हो गया 4 दिन लग गई भरी पानी दो तरफ किधर को लिखन रही रही गाय भूखी चिल्लाई चिल्लाई बस तड़प तड़प के सब गिरती है। यहाँ सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं, जो यहाँ सैलाब ज्यादा भरा हुआ इसीलिए बाहर निकल रहे हैं। 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बेजुबान जानवर भूखे प्यास से तड़प रहे हैं। नानक बैराज से आए पानी के आगे निकलने से यहाँ पर गर्रा नदी का पानी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन पानी कम होने के साथ ही कटान शुरू हो गई है।
महाप्रलय के बीच तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दहला देने वाली हैं। ये उसी यूपी का दूसरा शहर उन्नाव है जो राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये शहर इस वक्त टापू की शक्ल ले चुका है। खतरे के निशान को पार करती गंगा की लहरों ने आमजन के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया रूपी अपने इस मोहल्ले को पार करना पड़ रहा है। चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। पहले तो हम अपनी सुरक्षा करते हुए नाव के पास जाते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? कहाँ जा रही हैं? कैसे जाती हैं यहाँ से? कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? पानी पड़ा है, पानी है। उन्नाव की तराई इलाके पानी में डूबे हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आलम ये है कि लोग सड़कों पर भी नाव चलाने को मजबूर हैं, क्योंकि हर तरफ पानी का कब्जा है। आपकी फसल डूबी है? सब डूबी हमारी। फटाफट बोलो। ये तो हमारे साथ जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर खेती किसानी का काम करते हैं, उनका कहना है कि बाढ़ में उनकी फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। एक बार तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये खेतों में काम करने के लिए जा रही हैं, जो हिस्सा बचा है अब उसको सकुशल बचा लें, इसकी प्रयास में लगी है कि कम से कम जो चीजें हैं वो तो हाथ आ जाए। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गया है। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलाना भी मुश्किल है। छोटी गाड़ियां पानी की तेज बहाव के आगे दम तोड़ रही हैं और नदियों के पास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं नेशनल हाईवे के आसपास बने ढाबे भी पानी में डूबे हैं। कारोबार ठप पड़ गया है और हर तरफ बस त्राहिमाम मचा हुआ है। पुल हो गए हैं तो उस वजह से सब सड़कें नीचे धस गई हैं। ये किस वजह से हुआ? ये बाढ़ के पानी आने से सब हो गया है। बस्ती में इंद्रदेव की टेढ़ी नजर से अटल आवासीय स्कूल भी जलमग्न हो गया। बच्चों को स्कूल से छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया गया है। स्कूल परिसर इस समय दरिया बन गया है। भारी बारिश की वजह से पानी नालों और नदियों से ऊपर आकर लोगों के घरों तक में पहुंच रहा है। बस्ती के कई दूसरे स्कूल भी बारिश की वजह से जलमग्न है। एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल बाढ़ बारिश का कहर अभी भी जारी है और मौसम की मार से राहत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। हालांकि शासन की तरफ से ग्राउंड जीरो तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गंगा सहित की सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 20 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और खतरे के निशान तक आ गया है। एहतियातन गंगा ने छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। करीब 8 से ज्यादा घाट ऐसे हैं जिनका आपसी संपर्क टूट गया है। इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर हूँ, जहाँ पर आप ये देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो पूरी तरीके से अब गंगा में समा गया है। काशी में बाढ़ की पहचान या ये कह लें कि बाढ़ का जो अलर्ट होता है, सूचक होता है, वो यही रत्नेश्वर महादेव मंदिर होता है। जैसे जैसे ये डूबता जाता है, ये मान के चलिए कि बाढ़ लगातार काशी में बढ़ती जाती है, गंगा घाटों को अपनी जद में लेती जाती हैं। इस वक्त आप ये देखिए पूरा मंदिर का जो गर्भगृह है वो डूब गया है, उसका जो पहला तल है वो डूब गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ शिखर नज़र आ रहा होगा। मैं बमुश्किल यहाँ पहुँचा हूँ और नाव के सहारे अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरा जो मंदिर का गर्भगृह है वो डूब गया है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जो छोटी नाव है उनका संचालन फिलहाल गंगा में बंद कर दिया गया।
जलस्तर बढ़ने के चलते पक्के घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। गंगा की खूबसूरत सीढ़ियां और मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। और तो और तटवर्ती इलाके पर आश्रित होकर जीवन यापन करने वाले भी ऊंचाई पर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के दशास में घाट पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आप पूरा जो प्लेटफॉर्म जो चौकिया बनी उसके अंदर जितनी भी मंदिरें हैं वो पानी में समाहित हो चुकी है और इसके साथ ही जितने भी घाट हैं जो निचले स्तर के जितने भी मंदिर हैं सभी में पानी प्रवेश कर दिया हो गया है। और उसके अलावा जो पुजारियों की जो पुरोहितों की जो चौकियाँ होती हैं वो अपने स्थान से हटकर ऊपर की तरफ जा रही हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं दशास में घाट।